ठीक है, तो एस ब्लॉक में जस्ट विल रिकॉल इट कि हमने क्या क्या किया। वी हैव डन एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन इनथैल्पी, वी हैव डन सॉफ्टनेस, मेटेलिक करेक्टर एंड देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वी हैव डन ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, एंड नाउ इज बेटे नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव फैक्टर। तो कौन बताएगा मुझे जरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आर दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाउ मच। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अगेन मैं को छोड़ के ये चलिए, ये होने चाहिए सामने वाले। हाँ जी, तो विद लेस इलेक्ट्रो, वाई लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रही है समृद्धि। यस समृद्धि, यू कैन स्पीक, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम, एज वी गो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ दिस ग्रुप इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल रिमूव इजली। सो वी कैन से बेटे दीज ग्रुप एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज दीज एलिमेंट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजली एंड हेंस पॉजिटिव चार्ज कैन कम। ठीक है, सो दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज वाई एन इलेक्ट्रॉन कैन बी इजली लॉस्ट फ्रॉम देम। ठीक है, एंड इट विल सर्टेनली इंक्रीज एज समृद्धि हैज टोल्ड यू दैट इट विल इंक्रीज बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी इज गेटिंग अ लो फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेंशियम एज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एंड दस दे आर हाईली हाईली नो नहीं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजली दे दें, तो ये बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। दे कैन गिव द इलेक्ट्रॉन अर्लियर एज दे हैव लो आयोनाइजेशन इनथैल्पी। नाउ नेक्स्ट करेक्टर लेट अस डिस्कस इज हाइड्रेशन इनथैल्पी। हाइड्रेशन, चलो पहले बताओ हाइड्रेशन इनथैल्पी क्या है, उसके बाद टेल मी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। यस, विल टेल मी व्हाट इज हाइड्रेशन इनथैल्पी, तभी तो आप बताओगे ज्यादा कम किसकी। यस बेटे, हाइड्रेशन इनथैल्पी, एनीवन, नो वन। देखो बेटे, जब किसी को, अब जब हम मेटल को तो डालेंगे नहीं, ठीक है, कोई सॉल्ट को डालेंगे इसके, ठीक है, या जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके आयंस बन जाते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन इनथैल्पी अगर याद करो बेटे, यू आर डूइंग इन बोर हेबर साइकिल, जिसमें आप पहले क्या बनाते हो, यू आर मेकिंग, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें या लिथियम की बात करें, तो सबसे पहले आप आयोनाइजेशन इनथैल्पी देके लिथियम, पहले तो आप इसको सबलाइन करोगे, आप सॉलिड से इसको गैस लेके जाओगे, तुम कहते हैं ये जो एनर्जी है डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड टू यू। फिर उसके बाद आप गैस से इसको किसमें चेंज करते हो, आयंस में, तो आयंस में चेंज करने के लिए आपको आयोनाइजेशन इनथैल्पी जो है फिर से रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर आयोनाइजेशन इनथैल्पी के बाद ये हाइड्रेट होगा, इसको वाटर में डालोगे और ये हाइड्रेट होगा, मतलब इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो हाइड्रेशन इनथैल्पी रिलीज होगी। हाइड्रेशन इनथैल्पी बेटे रिलीज होगी। देखो, जब आप किसी, जब हम ई नोट, जब हम क्लास 12th में आपको हम ई नोट करवाएंगे, रिडक्शन सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती कि कितनी उसकी लो आयोनाइजेशन इनथैल्पी है। ठीक है, आपको पता है लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ये हमने करना भी है, तो मैं आपको यहाँ से बताऊं,
कि लिथियम सबसे अच्छा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है जो इलेक्ट्रॉन दे। अब आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन तो सीजियम को देना चाहिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम को होना चाहिए, पर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये नहीं कि जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है उससे आप इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल दोगे और किसी और को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी और को वो रिड्यूस कर देगा। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बेटे, उसके बाद वो हाइड्रेट होता है। जब वो हाइड्रेट होता है तो उसमें से हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज, जब उसके अराउंड लिथियम के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आने शुरू होते हैं तो इट विल गेट हाइड्रेटेड। ठीक है, जब ये हाइड्रेटेड होगा तब इसमें से एक एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब कितना कोई ज्यादा हाइड्रेट होगा वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। देखो जितना छोटा होगा, जितना वो छोटा होगा उसके ऊपर डेंस पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डेंस पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज उसके पास ज्यादा होगा उसके अराउंड ऑक्सीजन के जो नेगेटिव डाइपोल है वो ज्यादा कलेक्ट कर सकेंगे और हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है और डाउन द ग्रुप आते आते हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता जाएगा नीचे जाते वक्त? क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो जो कैटायन है वो इतना पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। देना तो इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, देना इसने भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। छोटे साइज के ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका इसके आसपास जब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, जब नया बॉन्ड स्टैब्लिश होगा, एक तरह का बॉन्ड ही है बेटे, इंट्रैक्शन हो रही है, तो एक बॉन्ड जब स्टैब्लिश होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी गेट रिलीज। ओके, जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। वैसे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, लिथियम है। यही कारण बनेगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम फर्दर करेंगे। फॉर द पॉइंट बेटे, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज एन एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्ट और आयन इज हाइड्रेटेड। ठीक है, तो जितना स्मॉल साइज होता है उतना ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि उतना उसके ऊपर डेंस चार्ज होता है, और जितना बड़ा साइज होता है उतनी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम रिलीज होती है। तो डाउन द ग्रुप द हाइड्रेशन इंथैल्पी विल बी टू गेट हाइड्रेटेड विल बी डिक्रीज, एंड वी कैन से द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड लिथियम हैज द मोस्ट, it has most higher electro hydration intensity. Okay, rest of the element. Yes, any doubt from this first? Anji, koi doubt bete? All of you got this point? Only Kavya is listening. 4, 5, 6 out of 26, 8 rest all are sleeping. ठीक है, उसके बाद आज जी बेटे फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट प्लीज, व्हाट इज फ्लेम कलरेशन? अब ये समझो ध्यान से, जब हम अभी सॉल्ट एनालिसिस करेंगे बेटे, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको एक टेस्ट नजर आएगा जिसको कहते हैं फ्लेम कलरेशन। हमने सॉल्ट एनालिसिस करे, वहां पे एक प्रीलिमिनरी टेस्ट आते हैं जिसमें आप ड्राई हीटिंग करते हो, ऑर्डर देखते हो, उसमें भी एक टेस्ट होता है फ्लेम कलरेशन का, जो शो करते हैं एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल, उसके अलावा जो मेटल जिनमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है।
अब होता क्या है कि अल्कली मेटल की बेटे आयोनाइजेशन इनथैल्पी कम है, ठीक है। जब इनके सॉल्ट को आप हीट करते हो, आप फ्लेम ऑक्सीडाइज फ्लेम में आपको बोला जाएगा, आप एक प्लेटिनम का लूप लो, उसमें हम HCl में डाल के और सॉल्ट लेके जाएंगे, उसको बोला जाएगा कि फ्लेम में हीट कर लो करो। तो उस फ्लेम में जब हीट करते हो ना, तो ये जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं, डिपेंडिंग उनके जो इलेक्ट्रॉन है किस लेवल तक एक्साइट करते हो, किस कितनी वो एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन इनथैल्पी है, आपने इनको फ्लेम में हीट किया, ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे वो लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, दे विल बी गेटिंग एक्साइटेड, ओके। अब जब ये एक्साइट करेंगे, मान लो ये सोडियम है, तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये अपनी शेल छोड़ के ये ऊपर वाली शेल में जाएगा क्योंकि आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है। और जब ये वापस आएगा तो कुछ एनर्जी इमिट करता आएगा जो हमें नजर आई, तो इसके कारण फ्लेम के अंदर कलरेशन आ जाएगी, ठीक है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जितने भी, दैट विल बी एक्साइटेड टू द हायर लेवल, एंड व्हेन दिस आउटर इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, तो क्या होगा, यू विल सी अ सर्टेन काइंड ऑफ कलर कोरस्पोंड्स टू दैट वेवलेंथ, और वी कैन से कोरस्पोंड्स टू दैट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट lithium, it will show you the red color. Even we'll do in the lab also, if you will get time or in class plus two, it is known as crimson red color. ठीक है, reddish color की lithium की flame है ना, वो red color की बन जाती है, ठीक है। Sodium की flame है थोड़ी सी yellow, ये हम इतना मतलब clear test नहीं थे, फिर भी हमें पता चल जाता है। और जो बाकी है potassium, rubidium, cesium, इनकी बहुत अच्छी फ्लेम आती है, दैट इज वायलेट, रेड वायलेट, ठीक है, एंड ब्लू, एंड दिस इज रेडियो एक्टिव, इसे तो हम छोड़ ही दें, ठीक है। तो जब आप बेटे इन मेटल्स को आप हीट करते हो तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में वो एक्साइट करके ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्टेन वेवलेंथ अब्सॉर्ब की है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब की है। जब वो वापस आएंगे कुछ एनर्जी एमिट करके आएंगे, वो जो एनर्जी एमिट करते हैं वो विजिबल लाइट में हमें नजर आती है, वो वेवलेंथ से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। तो हमें डिपेंडिंग वो कहाँ से, इवन आप जब अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करते थे, डू यू रिमेम्बर, येलो कलर के बैंड आते थे सोडियम के, यू रिमेम्बर, एक एमिशन स्पेक्ट्रा था, एक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो हम कहते थे जब NaCl में आप विजिबल लाइट को पास करते हो तो आपका उस रीजन में से अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है। और अगर आप वैसे अब अमिट करवाते हो तो आपको 2 येलो बैंड्स आते हैं, तो इससे तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। समझ आ गई बेटे व्हाट इज फ्लेम कलरेशन और फ्लेम कलरेशन क्यों देते हैं, एंड दिस इज अगेन अ प्रैक्टिकल व्यू बट इट्स कम इन एग्जाम, ठीक है। बस एक ही थम्स अप आता है, बाकी सारे सो रहे होते हैं। हाँ जी, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर, अभय, अशीव, आशीष, आशुतोष, दिव्यांशी, गुंजोत, 10 अब आज नेक्स्ट इज बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वही कंसेप्ट है जो फ्लेम कलरेशन का है, और आपको अगर याद हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया हुआ है ना, किया हुआ है ना। क्या था, जब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट डालते हो, यू रिमेम्बर, आपको ऐसे करवाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक, तो पहले इनिशियल एच म्यू नॉट जो थ्रस्ट और फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हिलाने के लिए आती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम एच म्यू कह देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो हमने तब किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं,
क्यों? अगेन क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन इनथैल्पी है. जब कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अभी तो हमने टेम्परेचर की बात करी फ्लेम कलरेशन में, इसमें हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी डालेंगे. तो जब कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालते हो तो क्या होता है कि ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन आर बीइंग इजेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने शुरू हो जाते हैं. इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि फोटोन्स की प्रेजेंस में होता है. ओके, और ये था हीट की प्रेजेंस में, और ये किसकी प्रेजेंस में किया आपने, लाइट की प्रेजेंस में, दोनों में इजेक्शन हुई है. ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर लेवल गए थे जब आपने ग्राउंड स्टेट में आए थे, आपको कलर दिया था. इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं. आपसे ये पूछा जाता है कि क्यों सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है, लिथियम क्यों नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है. तो सीजियम की सबसे ज्यादा लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें से जब लाइट एक्सपोज, इसको लाइट के ऊपर एक्सपोज किया जाता है बेटे, द इलेक्ट्रॉन आर बीइंग इजेक्टेड वेरी सून बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये वन मार्क्स क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, तो आंसर इज सीजियम. व्हाई? Because it has low ionization in them. Got it? आई बात समझ? Yes or no? Thumbs up हमारे चार पांच आ जाते हैं, ठीक है. तो वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एंड देन इज अ फ्लेम कलरेशन. इट इज प्रेजेंट इन द वेन यू विल प्रोवाइड एन हीट एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेन यू प्रोवाइड. Jivitesh, but see, you have done photoelectric effect in which you have provided a quanta of energy, that is photon of energy, hai na? That is light. Jab hum photo bolte hain, the word photo means light, energy in the form of light provide karte ho. You have done photoelectric effect or a black body radiation karte ho, jab hum Bohr ka model shuru karte hain na. So is model mein hum yahi seekhte hain ki jab hum किसी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. और वो इजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, ठीक है. और इसी के कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर आप लाइट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, तो आपको यू विल गेट एन लाइट सोर्स, मतलब आपको ये मिल जाता है कि वो लाइट देना शुरू हो जाते हैं. तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, दैट इज द सीजियम, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है. जब आप फोटोन ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो जाते हैं इजिली. ओके जीवितेश, यस जीवितेश और नो? ओके. उसके बाद आ जाओ बेटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑब्वियसली मेटल है बेटे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे. मेटल्स की तो खासियत ही ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें. अब बात ये है कि डाउन द ग्रुप बढ़ती है या कम होती है, बात हमने ये सीखनी है, ठीक है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कोई मेटल बेटे इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है. वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो कर्नल्स का फोर्स छोड़ के दूसरे के साथ चला जाता है. हमने कर्नल्स थ्योरी कर ली है, हमने देखा है कि उसमें मेटैलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो जो मेटैलिक बॉन्ड में उसमें होता ही क्या है कि एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और बीच में कर्नल है. वो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है अपने कर्नल, ये कर्नल है जैसे मैंने सोडियम की एग्जाम्पल बताई, तो इंटरनल बेटे टू इलेक्ट्रॉन है और ये एट है और ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है. ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना, जब इसको आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण मेटल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या हीट कंडक्ट करता है. अब हम देखें कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है. अगेन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड है, तो फ्री है ज्यादा. सीजियम का नीचे जाते वक्त जो इलेक्ट्रॉन है फ्री हो जाता है, ठीक है. अगर फ्री हो जाता है तो इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजिली, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर सकता है. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे? इंक्रीज होती है.
क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लूजली बाउंड. ओके, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो मेटल तो करनी करनी है, उसको तो कोई छोड़ नहीं सकता. हाँ जी बेटे, अब पूछो कोई डाउट है तो. हो गई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एंड डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होगा. ओके, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटे, दैट इज रिड्यूसिंग करेक्टर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आना ही है. देखो रिड्यूसिंग का मतलब है, मैंने आपको भी समझाया, रिड्यूसिंग करेक्टर. रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है जिसके पास टेंडेंसी है किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करने के लिए. तो अगर हम ये देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजिली कौन देगा, सीजियम देगा. अभी हम मतलब से बोल रहे हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है. मगर हम जब रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर करते हैं तो ये बिल्कुल सही करते हैं कि सोडियम है, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग क्या होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, रुबिडियम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, सीजियम होना चाहिए, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा कम आयोनाइजेशन इनथैल्पी है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है और इसकी उससे ज्यादा है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी सीजियम. अब सीजियम जो लिथियम है यहाँ होना चाहिए, यहाँ सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट ये होना चाहिए बेटे. मगर होता क्या है, ऑर्डर ये नहीं होता, जहां एक्सेप्शन वहां आपके लिए क्वेश्चन, ऑर्डर ये होता है. ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि सोडियम से ज्यादा पोटेशियम रिड्यूसिंग इन नेचर है, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम रिड्यूसिंग इन नेचर है, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम रिड्यूसिंग इन नेचर है, और उससे ज्यादा लिथियम. लिथियम सबसे ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर डजंट डिपेंड ऑन ओनली ऑन द आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इट डिपेंड अपॉन द थ्री इंथैल्पीज. वन इज सब्लिमेशन इंथैल्पी, सेकेंड इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड थर्ड इज हाइड्रेशन इंथैल्पी. ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर डिपेंड अपॉन थ्री इंथैल्पी. वन इज सब्लिमेशन इंथैल्पी, ठीक है, देन इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एंड थर्ड इज बेटे हाइड्रेशन इंथैल्पी. और ये सब आपको एक E नॉट की वैल्यू प्रोवाइड करता है. E नॉट क्या है कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, अब सब्लिमेशन इंथैल्पी क्या है, क्योंकि ये सारे सॉलिड हैं. अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की ये बात करते हैं कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो हमें पहले इनको आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना पड़ेगा. तो इसका मतलब इनको पहले सब्लाइम करना पड़ेगा, सारे सॉलिड हैं तो सारे गैस में चेंज करेंगे. तो ये मोर और लेस सबके लिए एनर्जी सेम है, डेल्टा एच जो है सब्लिमेशन सबकी होगी. ठीक है, फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. तो हमें पता है कि नीचे जाते वक्त ये वाली रिक्वायर्ड, तो मतलब ये वाली भी रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये वाली भी रिक्वायर्ड है, हमें दोनों रिक्वायर्ड है. और नीचे जाते वक्त हमें इसकी सबसे कम रिक्वायर्ड है, इट विल डिक्रीज. इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा. इसका मतलब इसको सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए. फिर उसके बाद आती है बेटे हाइड्रेशन इंथैल्पी. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और कोई आयन हाइड्रेटेड होता है तब एनर्जी रिलीज होती है. यही एनर्जी है जो कि रिलीज होती है. जितनी किसी भी रिएक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी और रिलीज कम होगी वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. रिलीज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी और रिक्वायर्ड जितनी कम होगी वो रिएक्शन जल्दी पॉसिबल है. आपको आप पेट्रोल को जल्दी आग क्यों लगती है, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी कम है और रिलीज ज्यादा है.
ठीक है, जिस चीज में रिक्वायर्ड है ही नहीं वो जल्दी हो जाती है, जिस चीज को रिक्वायर्ड है उसको आपको टाइम लगता है। तो रिलीज किस केस में सबसे ज्यादा होती है बेटे? रिलीज केस में होती है लिथियम की केस में, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, वो सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, तो उसमें एनर्जी सबसे रिलीज होती है। वो सीजियम से भी ज्यादा रिलीज है, रुबिडियम से भी ज्यादा रिलीज है, वो पोटेशियम से, वो सोडियम से। तो ये जिसका रिड्यूसिंग करेक्टर है, एक्सेप्शन केस है कि ये सबसे ज्यादा है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनको ऑर्डर में लगाओ तो आप ये ऑर्डर में लगाओगे। फिर आपसे पूछा जाए कि लिथियम की लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सीजियम हैज मच लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन लिथियम, और वी कैन से द लिथियम इज हैविंग द मोस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, बट इट हैज अ इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस द अदर मैटर अदर सबस्टांस मोर एज कम्पेयर टू द मेटल्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। वाई? बिकॉज द लिथियम हैज हाइएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी एज द साइज ऑफ द लिथियम इज स्मॉल। व्हाट द पॉइंट बेटे? यस, दिस इज द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी यू हैव डन। नाउ यू विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी। डन? ये क्वेश्चन आना ही आना आपका। अगेन आई एम सेइंग रिड्यूसिंग करेक्टर लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि चाहे इसके पास हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी है एज कंपेयर टू अपने ग्रुप के एलिमेंट से, इसकी सबसे ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी है जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ओवरपावर कर देती है, जो कि रिलीज है। और बाकी सारी क्या है बेटे? रिक्वायर्ड। यस, एनी डाउट टू एनीवन? द आंसर आपका है कि तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कि व्हाई लिथियम इज द मोस्ट वी कैन से द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बिकॉज इट हैज हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी विच विल ओवर पावर द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाँ जी, एनी डाउट पूछो? नहीं होगी? अब बेटे 2 मिनट्स रह गए, वी हैव टू स्टार्ट।